नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संधि का तीसरा वीडियो और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्वर संधि के चौथे और पांचवें प्रकार को, जो कि है यण संधि और आदि संधि। इसके पहले संधि के ऊपर तीन वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के तीनों पहले तीन भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम स्वर संधि के चौथे और पांचवें भेद को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो स्वर संधि का जो चौथा भेद है वो है यण संधि। स्वर संधि का जो चौथा भेद वो है यण संधि। यण संधि में क्या होता है दोस्तों, देखते हैं कि यण संधि में छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा तथा री के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आ जाए। इसके पहले वीडियो में बता चुके थे कि भिन्न जाति और एक जाति क्या होती है, जैसे छोटा और बड़ा एक जाति के हैं, छोटी बड़ी एक जाति के हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक जाति के हैं, ए आए एक जाति के हैं और ओ आओ एक जाति के हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे बड़ा और बड़ी, ये दोनों एक जाति के नहीं, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। बड़ा आ और बड़ी ई एक जाति के नहीं है, ये भिन्न भिन्न जाति के हैं, अलग अलग जाति के हैं। ओ और आओ ये दोनों एक जाति के हैं, लेकिन आए और आओ ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो इसको हमने पहले ही समझा दिया था। तो देखते हैं आगे कि छोटी या बड़ी के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आ जाए तो उसका या अन्य जाति का स्वर आ जाए, अर्थात छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी छोड़कर कोई शब्द आ जाए, छोटा हो या बड़ा हो के बाद छोटा हो या बड़ा हो को छोड़कर कोई भिन्न जाति का स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः या वा और रा हो जाएगा। यदि छोटी या बड़ी के बाद भिन्न जाति का स्वर आ जाता है, छोटी ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न जाति का स्वर आ जाए, छोटी या बड़ी के बाद कोई भी अलग जाति का स्वर आ जाए तो छोटी या बड़ी के स्थान पर आधा या आ जाएगा, आधा या आ जाएगा। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर कोई अन्य जाति का स्वर आएगा, कोई भिन्न जाति का स्वर आ जाए तो वहां पर आधा वा हो जाता है, वहां पर आधा वा हो जाता है। यदि री के बाद भिन्न जाति का स्वर आए तो वहां पर आधा रा हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें से अगर किसी भी स्वर के बाद छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा या री के बाद कोई भी अन्य जाति का स्वर आ जाए तो वहां पर ये बदल जाएंगे, इनके स्थान पर छोटी या बड़ी के स्थान पर आधा या आ जाएगा, छोटा या बड़ा के स्थान पर आधा वा आ जाएगा और री के स्थान पर आधा रा आ जाता है। अब जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि छोटी या बड़ी के बाद भिन्न स्वर आ गया है, छोटी या बड़ी के बाद भिन्न जाति का स्वर आ गया तो यहाँ पर हो जाता है आधा या, छोटी या बड़ी के बाद भिन्न स्वर कोई भी आ गया, बड़ा बड़ी, बड़ा बड़ा ऊ, छोटा ऊ, री, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, आधा या हो जाएगा। देखिए छोटी या बड़ी के बाद भिन्न स्वर फिर हो जाता है या। इस तरीके छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद भिन्न जाति का कोई स्वर आ गया, कोई भिन्न स्वर आ गया तो वहां पर हो जाएगा आधा वा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पर हो जाता है आधा वा। ऐसे ही री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो वहां पर हो जाएगा आधा रा। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो अति में देखिए किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। अति में ताप ऊपर छोटी की मात्रा, अति अति में ताप ऊपर छोटी की मात्रा, अर्थात यहाँ पर छोटी या मतलब छोटी ही रहेगा, अति में ताप में छोटी की मात्रा तो यहाँ पर क्या है, छोटी है। हम पहले शब्द के आखिरी अक्षर को देखें उस पर किसकी मात्रा है, उसी को हम मानते हैं। तो पहले शब्द के आखिरी अक्षर ता है, ताप छोटी की मात्रा, अर्थात यहाँ पर छोटी। अब आपको पता है अभी कि यदि छोटी या बड़ी के बाद भिन्न स्वर आए तो वहां पर आधा या हो जाएगा, तो आधा या हो जाएगा यहाँ पर। और या में इधर अब दूसरे शब्द के पहले अक्षर को देखिए जिसको हमको जोड़ना है, दूसरे शब्द के पहले अक्षर, इधर क्या छोटा आ है तो या में छोटा आ की मात्रा लगा देंगे। अब आधा या तो उसमें छोटा आ जुड़ जाएगा तो वो पूरा या बन जाएगा, ठीक। और एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यण संधि में, यण संधि में पहले शब्द का आखिरी अक्षर जिस पर की मात्रा लगी रहेगी, चाहे वो छोटी की हो, चाहे बड़ी की हो, चाहे छोटा होगी, चाहे बड़ा होगी, चाहे तो री की, पहले शब्द का आखिरी अक्षर जिस पर मात्रा लगी होगी वो अक्षर आधा हो जाता है, उसको आधा लिखा जाता है, वो आधा हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो कि पहले शब्द यण संधि में, पहले शब्द का यण संधि में
पहले शब्द का आखिरी अक्षर जिस पर की मात्रा लगी होती है, चाहे वो जिस किसी की मात्रा लगी, पहले शब्द का आखिरी अक्षर है यण संधि में, यण संधि की बात कर रहा हूं मैं, कि यण संधि में पहले शब्द का जो आखिरी अक्षर रहेगा जिस पर की मात्रा लगी होगी वो अक्षर आधा लिखा जाता है, उसको हम आधा लिखते हैं, वो आधा हो जाएगा। अभी आपको समझा रहे हैं, तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि हम लिख के बता देते हैं कि देखिए इधर क्या है, अति लिखा, अति अति का छोटा तो वैसे ही लिख दिया जाएगा, अति का छोटा वैसे ही लिख दीजिए। अब ता में छोटी मात्रा है तो किसके ऊपर मात्रा लगी है, ता के ऊपर, आखिरी अक्षर ता है तो ता आधा हो जाएगा, तो ता को हम आधा लिखेंगे, तो ता हमारा आधा हो गया। अब छोटी के बाद छोटा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, आधा या। अब आधा या में छोटा जोड़ोगे तो पूरा या हो जाएगा, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब छोटा की मात्रा तो हम लगा चुके हैं, छोटा लिखेंगे नहीं, अधिक लिख दीजिए अत्यधिक। देखिए संधि एकदम आसान है, यह संधि एकदम आसान, देखिए अत्यधिक हमने क्या किया, ता में छोटी मात्रा, छोटी की मात्रा के बाद छोटा आया तो भिन्न स्वर आ गया ना, छोटी के बाद छोटा भिन्न स्वर, तो आधा या हो गया। अब जिसके ऊपर मात्रा लगे वो ता आधा हो जाएगा, और आधा होकर के या पे ही लगेगा तो हो गया। अब इधर छोटा की मात्रा लगा दी या में, या पूरा हो गया अत्य, अब इधर भी अत्यधिक। इस तरीके दूसरा देख लेते हैं, अनुधन एषण, अनुधन एषण, तो इसमें देखिए लिखा है अनु, न में किसकी मात्रा है, छोटा उ की, अब छोटा उ की मात्रा है, अब छोटा उ बाद ए आ गया तो भिन्न स्वर आया, अब छोटा उ या बड़ा उ भिन्न स्वर आता है तो वहां पर हो जाता है वाह, छोटा उ या बड़ा उ के बाद भिन्न स्वर आ जाता है तो वहां पर हो जाता है वाह। अभी छोटा उ या बड़ा उ के बाद भिन्न स्वर आ गया तो वहां पर वाह हो गया है, तो ऐसे ही छोटा उ बाद अगर भिन्न स्वर आ गया वाह हो गया तो यहाँ पर वाह आ जाएगा आधा वाह। अब आधा वाह तो वाह गया लेकिन जिस पर मात्रा लगी है वो अक्षर आधा होगा तो ना हमारा आधा हो जाएगा, तो देख लेते इसको भी, पहले हम छोटा लिख देंगे, अब जिसके ऊपर मात्रा लगी होती है उस अक्षर को आधा कर देते हैं, तो ना के ऊपर मात्रा लगी हम ना को आधा लिखेंगे तो ना हमारा आधा हो गया अन। अब छोटा और ए मिलकर वा बन जाएंगे, इसको हम कर देंगे वा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक ही मात्रा ए लिखा है तो हम एक ही मात्रा वहां पर लगा देंगे, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ध्यान दीजिए दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो भी शब्द जो भी उसकी मात्रा होगी उसको हम वा पे या पे लगा देंगे, दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसकी मात्रा को हम जो अक्षर परिवर्तित होगा उस पे हम लगा देंगे, तो यहाँ पर ए है तो ए की मात्रा वा पे हम लगा देंगे, वा पे यहाँ पे बदला है वा बदला है तो वा पे हम लगा देंगे। अब सन लिख दिए, अन्वेषण, अन्वेषण देखिए मिल रहा है एकदम आसान तरीके से, हम आपको संधि एकदम आसान से आसान तरीके से आसान भाषा में सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको कुछ अभ्यास करने होंगे अपने से और ध्यान से जो बताया जाए उसको समझना पड़ेगा, ठीक। तो आगे देखते हैं री वाला, री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो रा हो जाता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है पितृधन आदेश, तो ता में देखे किसकी मात्रा है, री की मात्रा है ना, ता में किसकी मात्रा है, री की मात्रा है। अब री के बाद इधर बड़ा आ गया, री के बाद क्या आ गया, बड़ा आ गया। अब री के बाद जब बड़ा आ गया तो असमान स्वर हो गया, भिन्न स्वर हो गया, तब क्या होगा, री को आधारा बन जाएगा और ता है या धत्ता बन जाएगा, ता आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप पढ़े होंगे कि आधा ता और आधा रा मिल करके त्रा बनाते हैं, आधा ता और आधा रा मिल करके त्रा बनाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ता में री की मात्रा है, जिसको ऊपर मात्रा लगी होती है वो अक्षर आधा लिखा जाता है, तो ता में री की मात्रा हो गई तो ये ता हमारा आधा हो गया। उसके बाद फिर अब इधर देखिए कि री है, री के बाद अगर भिन्न स्वर आया तो आधा हो जाता, तो री के बाद भिन्न स्वर आया तो रा भी हमारा आधा हो गया, ता भी आधा हो गया और रा भी आधा हो गया। अब जब आधा ता और आधा रा मिलेंगे तब हो जाएगा त्रा, तब क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा पितृ, तब यहाँ पर आधा ता और आधा रा मिलकर बना लेंगे पितृ। अब एक बात और कि पितृ तो आ गया, अब इधर क्या है, बड़ा है, हमने अभी आपको बताया कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो भी हो उसकी मात्रा हम जो अक्षर बदलता है उस पर हम लगा देते हैं, त्रा बदला है त्रा पे हम लगा देंगे पित्रा। अब देश लिख दीजिए, पित्रा देश एकदम आसान है, यण संधि बच्चों को कठिन लगती है लेकिन यण संधि और आद संधि भी एकदम आसान है, बिल्कुल दीर्घ संधि जैसी, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसान संधि,
बस समझिए अक्षर कहाँ पे बदलता है और किस अक्षर को जोड़कर कौन सा अक्षर बनता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अयादि संधि को, और इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या जो, तो अयादि संधि में यदि ए आए ओ तथा औ के बाद, ए आए ओ तथा औ के बाद कोई भी अन्य जाति का स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए के बाद भिन्न स्वर आ गया, ओ के बाद भिन्न स्वर आ गया, आई के बाद भिन्न स्वर आ गया, औ के बाद भिन्न स्वर आ गया, तब क्या होगा कि इनके बाद अगर भिन्न स्वर आ गया तो ए के स्थान पर हो जाएगा आई। ध्यान दीजिए क्या बदला है यहाँ पर, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। जैसे यहीं पर ए लिखा है, अब एक बार भिन्न स्वर आ गया तो ए का हो जाएगा आई, ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आय का हो जाएगा आय, आय का हो जाएगा आय। अब आय के बाद भिन्न स्वर आ गया तो आय का हो जाता है आय, आय का आय। यदि ओ के बाद भिन्न स्वर आ गया तो ओ का हो जाएगा आव, ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों, आव। और यदि आव का, आव के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो आव का हो जाएगा आव, आव का हो जाएगा आव। यही परिवर्तन होता है। अब जैसे यहां पर देखते, हमने तरीके से बताने की कोशिश की है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ गया, ए है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो ए का हो गया आए, ये क्या हो गया दोस्तों, आए, ए के बाद भिन्न स्वर तो ए का हो जाएगा आए। और आए होगा ना तो छोटा आ और या, ये वाला आए होगा ना कि ये वाला आए। ठीक, अब आए के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, आए के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो आए का हो जाएगा आज, आए का क्या हो जाएगा आए। और यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो ओ का हो जाएगा आओ, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो ओ का हो गया आओ, और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, आओ के बाद भिन्न स्वर आ गया तो आओ का हो जाएगा आव, आओ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ए के बाद भिन्न स्वर, इसको ध्यान समझ लीजिए, ये आगे इसी के ऊपर पूरी आयाद संधि डिपेंड है, निर्भर करती इसी के ऊपर। अगर यही आपको नहीं आएगा तो आपको आयाद संधि आ ही नहीं पाएगी। क्या बदलता है, क्या परिवर्तन होता है आयाद संधि में, जब आपको यही नहीं पता तो आयाद संधि आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से समझिए, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय हो जाएगा, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है आय का आय हो जाएगा, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का आव हो जाएगा, आव के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आव का आव हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको। तो चे, यहां पर लिखा चे धन अन, ध्यान दीजिए यहां पर चे धन अन, चे प्लस अन, तो चे में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, चे में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो अर्थात यहां पर ए है। जिस चीज पर, जिस अक्षर पर जिसकी मात्रा लगी होती है वहां उसी को हम मानेंगे। यहां पर ए की मात्रा अर्थात यहां पर ए है, चा में ए की मात्रा तो यहां पर मानेंगे ए है, तो ए का क्या हो जाता है, आय, ए का क्या हो जाता है दोस्तों, आय, ए का होता है आय। तो चा में ए की मात्रा तो ये क्या है, चे है, ए का आय तो चे का चाय, चे का चाय। अब यह आधा है लेकिन छोटा मिलकर छोटा की मात्रा लग जाएगी तो यह पूरा हो जाएगा। अब इसको छोटा को लिखेंगे चयन, चे का चय इधर ना, चयन, ए का आय चे का चय, ए का आय तो चे का चय। अब आगे देखते हैं, नए धन इका, नए धन इका, तो न में किसकी मात्रा है, आय की मात्रा। अब आय के बाद भिन्न स्वर आता है तो आय का हो जाता है आय, आय प्लस भिन्न स्वर आय, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय। अब यहां देखिए नए, नए में आय की मात्रा, आय के बाद ई आया है तो भिन्न जाति का स्वर है तो आय का आय तो नए का नाय, आय का जब आय हो गया तो नाय का हमारा होगा नाय, नाय हो जाएगा। और यह में हलंत लगा रहा है क्योंकि आधा या है। ठीक, आप ध्यान दीजिए इधर की, पहला अक्षर अच्छा, दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, ई है, तो ई की मात्रा लग जाएगी इस पे, या पे ई की मात्रा लगेगा, या पे ई की मात्रा लगेगी। अब मात्रा लगा दी है, अब ई हट जाएगा, का लिखा जाएगा, अब का जब आप लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नायिका, नायिका बन गया। एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, एकदम सरल संधि। ठीक, अब देखते हैं पोधन इत्र, पोधन इत्र, इसको हम ये पोधन इत्र, पा में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। अब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का हो जाता है आओ,
ओ के बाद भिन्न स्वर हो जाएगा आओ, तो पो के बाद भिन्न स्वर तो पो का हो जाएगा पाओ, ओ का आओ तो पो का हो जाएगा पाओ, अब ओ का आओ तो पो का पाओ, अब इधर छोटी की मात्रा तो हम छोटी की मात्रा लगा देंगे पवी पवी, अब ई की मात्रा लग गई त्रा लिख दीजिए पवित्र पवित्र। ठीक, अब इसको देखिए भाव धन उक तो यहां पर भाव में किसकी मात्रा है आव की मात्रा है, आव के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आव का हो जाता है आव, आव के बाद भिन्न स्वर हो जाएगा आव, तो आव के बाद भिन्न स्वर हो जाएगा आव, आव का आव तो भाव का भाव, भाव का भाव हो जाएगा। अब इधर छोटा हुआ और का है उक है तो छोटा उक मात्रा लग जाएगा भावु, अब का लिख दीजिए भावुक भावुक। देखिए स्वर एकदम आसान है, यण संधि और आसंधि एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, इसके स्थान पर कुछ उदाहरण आपको समझा देते हैं और यण संधि और आदि संधि के, क्योंकि आपको उदाहरण तीन उदाहरण बताए थोड़ा और उदाहरण बता देंगे थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा, और हम उस उदाहरण को बोर्ड पे लिख देंगे तो आप वीडियो पॉज करके उसको नोट करके पहले अपने से करने की कोशिश कीजिए कॉपी में अपने आप से, फिर उसके बाद जो है वीडियो प्ले करके हम देखिए, हम उसमें आंसर जब बताएं उत्तर बताएंगे तब आप उसको अपने किए गए उत्तर से मिलाइए सही आता है कि नहीं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा कि संधि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइए, हम आपके दिक्कत को दूर करने की पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको संधि में कहाँ पे दिक्कत आ रही है या आगे भी जो जो भी आप पढ़ाई उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले यण संधि कुछ उदाहरण, लिखते हैं सुधन आगत, सुधन आगत इति धन आदि प्रति धन ये मातृ धन इच्छा सुधन अच्छ नहीं इसके कोई दूसरा नहीं एक और लिख लीजिए। अच्छा गुरु धन आज्ञा, चलिए छह हो गया ये, आप वीडियो पॉज करके इसको करते रहिए। इधर हम लिख देते हैं आदि संधि का धन आख से धन अन ओ धन अन चलिए ये कुछ उदाहरण आपके सामने हमने लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके इसको अपने से हल करने की कोशिश कीजिए और फिर इसके बाद वीडियो प्ले करके आंसर देख लीजिए, हम आंसर बताने जा रहे हैं इसका उत्तर बताने जा रहे हैं। तो सुधन आगत, तो ये यण संधि पहले देखते हैं, यण संधि में हमने आपको बताया कि जिस अक्षर पे हम मात्रा देखेंगे पहले शब्द के आखिरी अक्षर पर उसी पर मात्रा लगती है, तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर जिस पर मात्रा लगी रहेगी उसको आधा लिखते हैं, तो सा में छोटा उ मात्रा तो हम सा को आधा लिख देंगे। अब छोटा उ के बाद क्या आ गया बड़ा आया, अब छोटा उ के बाद बड़ा आया तो भिन्न जाति स्वर आ गया, तो छोटा उ के बाद भिन्न जाति स्वर आता है तो वहां पर हो जाता है वाह, अब वाह लिखने के बाद वाह हमारा आधा है लेकिन जब यहाँ बड़ा लगेगा तो पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा स्वा, अब बड़ा लिख चुके हैं अब गत लिख दीजिए स्वागत, एकदम आसान है।
अब दूसरा वाला इस तरीके देखते हैं, ता में छोटी की मात्रा है तो ता हमारा आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इत। अब ता में छोटी की मात्रा, छोटी के बाद कोई अन्य जाति थोड़ा आ जाता है तो वो हो जाता है आधा या, लेकिन आधा या में इधर किसकी मात्रा लगेगी, बड़ा की, तो हो जाएगा बड़ा। अब दी है, दी लिख दीजिए इत्यादि। अब इस तरीके तीसरा देखेंगे प्रति धन एक, तो ता में छोटी की मात्रा, ता हमारा आधा हो जाएगा, छोटी के बाद ए आया है तो यह हो जाएगा ए की मात्रा ऊपर लगाएंगे का प्रत्येक। एकदम आसान है आपके लिए समझिए, एकदम सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। मातृधन इच्छा, तो हमने आपको बताया ता में ऋ की मात्रा ता था और ऋ की बात छोटी तो राधा और आधा था, आधा राम मिलकर बन जाएगा त्रा, आधा था और आधा राम मिलकर बन जाएगा त्रा। अब ई है तो इधर छोटी की मात्रा लगा देंगे हम, त्रा में किसकी मात्रा लग जाएगी, छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब छा लिख दीजिए मातृ इच्छा, इसको देखिए सुधन अच्छे, सॉरी अच्छे रहेगा, सुधन अच्छे, सुधन अच्छे, तो सु का हो जाएगा सा आधा सा, छोटा का हो जाएगा वा सा, छोटा की मात्रा इसमें लगेगी स्वच्छ, बन गया। अब इसको देखते गुरु धन आ गया, तो गुरु में हम देखेंगे रा को ऊपर छोटा मात्रा तो रा हमारा आधा हो जाएगा, आधा रा को हम कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। अब छोटा मात्रा और बड़ा में बन जाएंगे वाह, वाह में बड़ा की मात्रा, अब आधा रा ऊपर लगा दीजिए, ज्ञान लिख दीजिए गुरुवाग्या। एकदम आसान है आपके लिए यह संधि और आयात संधि। अब आयात संधि देख लेते हैं, ने धन अन, तो ने धन अन का हो जाएगा ने का हो जाएगा ए का आए तो ने का नए, और छोटा इसमें जुड़ जाएगा अब न लिख दीजिए नयन। आपको इस आया संधि करने के लिए जो सूत्र बताया उसको याद करना पड़ेगा, ए का आए, आए का आए, ओ का आओ, आओ का आप, तो ए का आए तो ने का नए, अब छोटा इसमें जुड़ जाएगा बच्चे का ना ना को हम लिख देंगे। ऐसे ही पाव धन अक, तो आओ का आव तो पाव का पाव, अब छोटा इसमें जुड़ जाएगा का लिख देंगे पावक, हो जाएगा पावक। पावक इस तरीके से धन अन, से धन अन, तो सा में एक ही मात्रा है तो ए का होता है अय, तो से का हो जाएगा सय, से का हो जाएगा सय, ए का आय तो से का सय। अब ना बच्चा है ना, छोटा इसमें जुड़ जाएगा ना बच्चे का ना बढ़िए सयन। अब पो धन अन, तो पो का हो जाएगा ओ का आओ तो पो का पाओ, छोटा इसमें जुड़ जाएगा बच्चे का ना पवन। ठीक, अब आगे देखते हैं नव धन इक, नव का आओ का आओ तो नव का नाव हो जाएगा, अब बच्चा छोटी, छोटी की मात्रा इस पे लग जाएगा, छोटी लग गया तो बच्चे का नाविक। तो उम्मीद है आपको आज क्लास समझ में आई होगी, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे की वीडियो में आपको आगे की संधि बारे में परिचय करा जाएगा, बताया जाएगा, और अगर आपको संधि संबंधित कोई दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी संधि का वीडियो चल रहा है, तो आप उस संधि की वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपकी कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उनको भी जो दिक्कत है उनका भी समाधान हो सके। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपके पास समय पर पहुंच सके। और ये आपका स्वर संधि का आखिरी भाग था, स्वर संधि इसमें पूरे तरीके पूर्ण हो गई है, पूरा स्वर संधि पांचों विधान समझा दिया है, तो अब आगे की वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।